देखिए दो मौजूआत को मेंबर से बयान नहीं किया जाएगा, माशाल्लाह मैं खुद भी नहीं करता और मुझसे प्यार करने वाले जाकिरों और खतीबों से मेरी गुजारिश भी है। क्या बात है? एक खूनी मातम, ये मसला सबका अपना है, कमा और जंजीर का मातम, सबका ये मसला अपना है। जब ये कौमी मसला नहीं है, फर्दी मसला है, तो मेंबर से तो वो मसला बयान होगा जो कौम का होगा। तो जो है दूसरा मसला मेंबर से बयान नहीं होगा, वो है शहादत सालिसा का मसला, इसलिए कि ये भी फर्दी मसला है। नमाज जमात से वाजिब है? नमाज जमात से वाजिब है? बोलो नहीं, नहीं है ना। नमाज जमात से तो वाजिब नहीं है, नमाज फुरादा वाजिब है। जमात से पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, औलवियत है, तरजीह है। तो ये तो फर्दी मसला है, हर शख्स की नमाज अपनी है भाई, मुराद अपनी है। से मुराद उसको नमाज में कहाँ क्या जिक्र पढ़ना है वो खुद तय करेगा किसी एक्सपर्ट से पूछ कर। भाई अगर हमारी गाड़ी का मैकेनिक हमारी गाड़ी ठीक ना कर रहा हो, 6 दिन से खड़ी है, बार बार ले जा रहे हैं, फिर रोड पर आती है तो ख़राब हो जाती है, तो फिर अब गाड़ी ठीक करवाने के लिए डॉक्टर साहब के नहीं जाएंगे? जाएंगे फिर भी मैकेनिक के पास। और अगर डॉक्टर इलाज सही नहीं कर रहा है और दवा ले लेके थक गए, तो अब किसी इंजीनियर से जाके दवा नहीं लेंगे, जाएंगे फिर भी डॉक्टर के पास। तो जो है ना, तो जब हर फील्ड का कोई एक्सपर्ट है तो दीन इतना गरीब है। क्या उसकी तशरीह करने वाला कोई नहीं है? हर ककड़ी बेचने वाला कहता है मैं मुफ्ती हूं। जिसे 1 से लेकर 10 तक अरबी में गिनती नहीं आती वो कहता है मैं फतवे नहीं मानता। तवज्जो है, मेरी कम से कम कीमत जन्नत, ज्यादा से ज्यादा मेरी कीमत रिजवान मिनल्ला, और जो सबसे अच्छी कीमत और सबसे बड़ी कीमत लगी है वो मौला अली ने लगाई है। अली ने अल्लाह की लगाई है, अली ने अपनी लगवाई है, और मर्जियां अल्लाह से ले ली है और अपनी जान दे दी है। अब अली का कुछ नहीं है, अली का जो कुछ है वो अल्लाह का है। ये वजूद अल्लाह का है, ये अली का घर अल्लाह का है, ये अली वाले अल्लाह के हैं। बात रोशन है? तो कम से कम कीमत जन्नत और ज्यादा से ज्यादा रिजवान मिन अल्लाह। अब यह आयत सुनिए सूरह जुमर की। जी जी बेटा, एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाला। चलो क्या है, तवज्जो है, मैं ले रहा हूं, मैं बात पूरी करूं। कम से कम कीमत बोलिए। चलिए पहले ये सुन लेते हैं, ये बच्चा बहुत ज्यादा मुस्तरिब है, पूरा खत लिखा है इसने। सवाल किया है कि अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए या मौला अली से, और ये इतनी दफा मैं जवाब दे चुका हूं, तो हमारी पुरानी तकरीरें निकाल के सुनो जी, मगर तुम्हारा दिल रखने को एक जुमला कहूंगा।
ये मौजू बहुत बयान हुआ है, मुझसे ज़्यादा अच्छा बयान किया है उलमा ने, मुझसे ज़्यादा अच्छा बयान किया, और मेरे बहुत क्लिप और बहुत ज़्यादा तकरीरें इस तवस्सुल का मौजू है। मौला अली से मदद मांगना यानी तवस्सुल, मौला अली से मदद मांगना यानी वसीला। हम अली को माजल्ला अल्लाह और रब नहीं कहते। ये मेंबर शियों का मेंबर है, गालियों और नुसैरियों का नहीं। और जरा कान खोल के सुनो, मुकस्सिरों का भी नहीं है। सालिम तशय्यो रखने वालों का, अजीजो बड़ा खून दिया है तशय्यो की सालमियत के लिए, बड़ी जानें दी हैं तशय्यो की सालमियत के लिए, बड़ा पैसा बड़ा वक्त लगा है तशय्यो को सालिम रखने के लिए, चंद इख्तलाज ज़हनी रखने वालों के पीछे न चलिएगा। सुनी सुनाई बात मेंबर पर कर कर फंस जाने वाले लोग, वो मुश्किल बढ़ाते हैं। एक बात सुन ली, एक बात सुन ली और उसको उसको आके बयान कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा वो आता ही नहीं। मैं उमूमी एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, मेरा कोई खास मतमई नजर नहीं है, जनरल एक कायदे कानून की बात कर रहा हूँ। बात हजम जब तक नहीं होगी ना, जैसे खाने हजम नहीं होते ना, ऐसे ही बहुत सारे इल्मी मफाहीम और मजामीन हैं जो हर एक से हजम नहीं होते जी। लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, लाहौर का मुंतखब और कहां कहां से आया हुआ मजमा है, हमारे सुन्नी भाई भी बैठे हुए हैं, बड़ा ख्याल रहे। बात वो हो कि जो मैं हर जगह कर सकूं, मैं जो बात अपने हलके में कर रहा हूं अगर सही है तो टीवी पे भी करूं, अगर वहां जाकर मुझसे बात नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि मुझ में कमजोरी है। बहुत ही इत्मीनान के साथ, वकार के साथ, दलील के साथ अपनी बात करें और बहुत सोच समझ के बात करें। ये मकतब बड़ी मेहनतों से हम तक आया है, ये किसी का दीवान नहीं है, ये इमाम सादिक के फरमान है। इंतहाई एहतियात के साथ, तो इस मौजू पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, तुम तलाश करो। अभी पिछले दिनों एक सियासतदान, एक वजीर हैं इस वक्त मुमलिकत में, उन्होंने कहा जी मैं तकलीद को नहीं मानता, तो आप क्या कहते हैं? मैंने कहा जो मैं कहता हूँ आपको भेज देता हूँ। तो हमने अपने बच्चों से कहा जो हमारे थोड़ा बहुत मीडिया देखते हैं, मैंने कहा जी तकलीद पर जो कुछ मैंने कहा हुआ है वो ज़रा क्लिप ढूँढो, 100 से ज़्यादा क्लिप हमारे, 100 दलीलें वो उनको भेजी। उन्होंने कहा जी पहली दलील में ही मैं कायल हो गया था, आपने तो 100 भेज दिया। तो बहुत कुछ तवस्सुल और वसीले के मौजू पर नेट पर मौजूद है, मगर मैं इस बच्चे की तसल्ली के लिए, इसके हौसला अफजाई के लिए, ये बहुत बड़ा हौसला है पूछने का, मैं हौसला अफजाई करता हूँ, मैं नाराज़ नहीं होता। या अगर इस पर्चे में मुझे गाली भी लिख देता ना तो मैं इससे नाराज़ नहीं होता। हमारे यहाँ ये रिवाज ही ख़त्म हो गया। अब मैं इस दरवाजे से आया हूँ इसी से चला जाऊँगा, ये जो 4000 आदमी आए हुए हैं इनसे मैं महरूम हो गया, मुझे सवाब नहीं मिल रहा कि मैं इनसे हाथ मिलाऊँ, जो भी वजह है। तो कहा पर्चा भेज दो भाई, खत भेज दो। मुझे जवाब देना चाहिए, नहीं आता तो कह दूँ कि आइंदा बताऊँगा, आज मेरा जहन तैयार नहीं है। सलूनी का दावा तो सिर्फ अली ने किया है।
इस बच्चे ने अपने सवाल में एक आयत का हवाला भी दिया है कि अम्मा युजीबुल मुस्तर इदा दा व यक्षिफुसु, कौन है जो मुस्तरों और मुस्तरिबों की दुआओं को सुनता है। तो पहले तय तो करो कि मुस्तर है कौन। जो मुस्तरिब और मुस्तर है उसे मेहदी दौरा कहा जाता है। हम सब इमाम के मुंतजर हैं और इमाम भी मुंतजर हैं। जब हमारी तरफ से हम इमाम को मुखातिब करेंगे तो हम मुंतजर, वो मुंतजर। जब इमाम की तरफ से हमें मुखातिब करार दिया जाएगा तो वो मुंतजर, हम मुंतजर। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया कि इंतजार कर कौन रहा है। दो मिसरों में और अच्छा कर दिया, दो मिसरों में लखनवी शायर दो मिसरों में कहता है, हम उनकी दीद के तालिब हुक्म खालिक के, हम उनकी दीद के तालिब हुक्म खालिक के, मजा है दोनों तरफ इंतजार होता है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो एक जवाब तो इस बच्चे का कि अम्मा युजीबुल मुस्तर इदा दा व यक्षिफुसु, इस आयत का मतलब क्या है। दूसरी बात ये मेरे बच्चे, मेरे अजीज, और इस सवाल जहन में रखने वाले हर अजीज से कह रहा हूँ, हर सुन्नी शिया से कह रहा हूँ, हर कुरान के तालिब इल्म से कह रहा हूँ कि कुरान की एक आयत पढ़कर अकीदा नहीं बनता। कुरान की तमाम आयात पढ़ने के बाद अकीदा बनाया जाता है। और मैं तो कहाँ जाके सर फोड़ूं कि यहाँ तो आधी आयत पढ़कर अकीदा बनाता है। लिहाजा एक आयत अगर अल्लाह से मांगने की बात कर रही है और दूसरी आयत में अल्लाह का नुमाइंदा ही अपने बंदों से मांग रहा हो, कौन है जो मेरी मदद करे। कौन कह रहा है? हजरत ईसा कह रहे हैं अपने हवारियों से। हजरत ईसा अल्लाह से मांगिए ना, अल्लाह से कहिए कि अल्लाह मेरी मदद करे। कौन है मन अंसारी अल्लाह, कौन है अल्लाह की खातिर मेरी मदद करने वाला। तो कायदा क्या बना, अल्लाह की खातिर मदद करने वाला अगर कोई हो तो वो मददगार होता है। जो अल्लाह की खातिर मदद करने वाला हो वो मददगार होता है। तो अगर हजरत ईसा की उम्मत अल्लाह की खातिर उनकी मदद करे तो ऐने तो ही, और अगर अली हमारी अल्लाह की खातिर मदद करें सादा सीधी सामने की बात है।